अरे यार, ये मंत्री साहब कब के बैठे हैं? वालिया साहब पता नहीं कब आएंगे। तू इतना टेंशन क्यों है? कल को मेरी साली की सालगिरह है। क्या मतलब मेरी शादी की सालगिरह है? तो समझ में नहीं आ रहा बीबी को क्या गिफ्ट दूं जिससे वो खुश हो जाए। तू एक काम कर, तलाक दे दे, बहुत खुश हो जाएगी। है? लगता है तू बहुत दुखी है अपनी बीबी से। नहीं रे, मेरी बीबी तो बहुत अच्छी है, मेरा हर हुक्म मानती है। रात को 3 बजे बोलूं चल गर्म पानी ला, लाके देती है मुझे। नहाने के लिए बर्तन धोना पड़ता है ना मुझे। ए, कहना मत किसी से, तेरी बीबी को इंग्लिश आती है? नहीं यार, मेरी बीबी तो गांव की है। अच्छा, गांव की है, मुझे लगा तेरी बीबी है। हट, तेरे से तो बात करना ही बेकार है। है? तेरे दारू के सप्लायर का क्या हुआ? सब हो गया, तू इतना परेशान क्यों है? तू जानता है ना उसे? नहीं नहीं, मैं आज तक मिला नहीं उससे। हाँ? लेकिन मैंने मंत्री जी की डायरी से नंबर निकाल के उसको फोन किया है। तू चिंता क्यों कर रहा है? देख, मंत्री जी का दिमाग बहुत गर्म है, सारी सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सारी सेटिंग प्रॉपर ही होगी। तू बाथरूम जा, टेंशन कम हो जाएगा। कोई पूछे मेरा नाम ले देना, जा चिंता मत कर। खाली की बात कर रहा है यार, मंत्री जी के यहाँ से फोन करो, दारू का सप्लायर ना आया, इतनी हिम्मत? यस, हाउ आर यू? फाइन। साहब कहाँ? मैं तुम्हें मेम साहब दिखता हूँ क्या? मैंने पूछा हाउ आर यू? फाइन। अरे यार, तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? अच्छा अच्छा, ऐसे आ रहे हो। देखो, हम पार्टी में बड़े लोगों का मूड बनाते हैं। अरे तुम वो हो सप्लायर? अरे इधर आओ ना यार, तुम्हारा तो इंतजार कर रहा हूँ। वालिया साहब की डिनर पार्टी है, लंच अभी शुरू हो जाएगा, माल कहाँ है? अरे माल सब तैयार है, गिनती बोलो आप। देखो, सब इम्पोर्टेड चाहिए, एकदम प्योर। क्वालिटी की चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्वांटिटी बोलो। लगभग 4 तो मंत्री जी को चाहिए होंगी। 4? हाँ 4, वो भी एक साथ। एक साथ 4? बहुत शौकीन है भाई, अभी आएंगे तो एक मांगेंगे, और खाने से पहले दूसरी, और खाने के बाद तीसरी। हाँ। और एक घर पे लेके जाएंगे। घर में? अरे रात तो काटनी पड़ती है ना बाबा, ऑल लाइट फुल टाइट। हाँ, लेकिन उनकी बीवी जो बड़े लोग हैं, जो भी करते हैं सीक्रेटली, खुल्लम खुल्ला, हमारे जैसे थोड़ी छिपे छिपे। कभी कभी तो उनकी बीवी भी ज्वाइन करती है। क्या बात, बहुत बड़ी महिला है वो। उसने मंत्री जी से साफ बोल दिया, जो भी करो मेरे सामने करो। कभी कभी तो वो खुद ले आती है। हाँ, धंधे में कंपटीशन बढ़ गया है। अरे घर में एक आध स्टॉक रखना पड़ता है ना भाई, रात के 2:45 बजे खांसी से नींद खुल गई, अब क्या करें, लेनी पड़ेगी ना। सर, ये कार्ड रखिए मेरा, ये सेटिंग मेरी करा दो, एक से एक आइटम ला के दूंगा, एकदम पेटी पैक करवा दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। 100% आपको भी इम्पोर्टेड लगेगी क्या? नहीं 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 बाबा, अपने को इम्पोर्टेड नहीं, बराबर चढ़ते नहीं। हाँ। अपने को देसी 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 भी है। हाँ? एकदम गांव ठन, मुंह से लगाते जहां बोलोगे चढ़ जाए। अच्छा, आपके लिए एकदम फ्री। ए, पक्का? हाँ। मैं कल फोन करूं? अच्छा ठीक। आज हम बात नहीं कर रहे। मैं हुई। क्या आदमी मिला यार, अलादीन का चिराग, कल छक्के पीऊंगा। आपके ये शौक भी है तेरे को? अरे शौक तो बहुत है त्रिपाठी, लेकिन अपने को परवरता ही नहीं है, क्या सेटिंग हुई। अरे वो सब छोड़, दारू के सप्लायर का क्या हुआ? तो ये क्या तुम्हारा पिताजी जा रहा था? यही तो है वो। ये किसी और चीज का सप्लायर है। किसका? लड़की का। अरे यार, पहले क्यों नहीं बताया, मेरा नाम खराब हो जाएगा। अभी क्या करूँ चश्मुद्दीन, कमीशन साफ दिया गया।